एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आर्किटेक्ट कंटेंट की सीरीज की वीडियो है। और गाइस, ये अपने पास 9th क्लास है और इस क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं एक अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पार्ट कि कैसे आप अपने सर्विस या वर्चुअल मशीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को कॉन्फिगर करते हैं। गाइज, अगर हमने 8th क्लास की वीडियो की बात करें, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 300 एंड 303 की, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकल डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप अपनी VMSS मशीन के साथ ऑटो स्केलिंग को कॉन्फिगर करते हैं। उसी में एक कमेंट आया था अपने व्यूअर का कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके अबाउट द ऑटो स्केलिंग, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको दोनों तरीके से आपको सोल्यूशन देने की, दोनों तरीके इन द सेंस की पहली चीज़ तो आपका थ्योरेटिकल क्लियर हो जाए और साथ ही साथ इसका हम प्रैक्टिकल देख लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग है वो है क्या। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कि अप्लाई करना, राइट। ठीक है, इफ़ यू नो अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ठीक है, इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलिंग हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, CPU की कैपेसिटी, RAM की कैपेसिटी, या उसके जो कोर्स हैं या उनकी परफॉर्मेंस जो वो इंक्रीज हो जाती है, इज इट करेक्ट। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के केस में, तो नया हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है उनको इंक्रीज करने की बजाय एक नई मशीन को अटैच कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, नो डाउट। बट क्वेश्चन ये बनता है, एज ए आर्किटेक्ट या एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को अप्लाई कहाँ करना है हमें। हम वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में ढूंढते हैं कि कहीं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दिखाई पड़ जाए या वर्टिकल स्केलिंग दिखाई पड़ जाए। हम वर्चुअल VMSS वर्चुअल मशीन स्केल सेट की VMs में ढूंढते हैं कि यहाँ पे कहीं पे दिखाई पड़ जाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। सो गाइज, किसी भी एज्योर वर्चुअल मशीन में, चाहे वो आप रिजर्वेशन के थ्रू क्रिएट करो, ऑन डिमांड के थ्रू क्रिएट करो या VMSS के थ्रू क्रिएट करो, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग दोनों एक साथ काम नहीं करती। VMSS के साथ सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काम करती है, वर्टिकल स्केलिंग काम नहीं करती। क्वेश्चन ये है कि फिर ये वर्टिकल स्केलिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट तरीके से देखिए, आप 100% जो सिर्फ आप थियोरेटिकल पार्ट अगर जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में, डेफिनेटली आपको ये प्रैक्टिकली हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को अपनी सर्विस के साथ अप्लाई करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्केलिंग है उनके बारे में जान लेते हैं। एज्योर, नॉट एज्योर स्केलिंग तो कहीं पे भी हो सकती है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल एज्योर पोर्टल की हम बात करें। तो बेसिकली अगर हम ऑटो स्केलिंग की बात करें, तो ऑटो स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यू नो दैट कि अगर आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड पड़ रहा है, आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उस केस में जो ऑटो स्केलिंग सर्विस है वो वर्चुअल मशीन को ऐड कर देती है या फिर वर्चुअल मशीन को रिमूव कर देती है, ताकि हमारा जो बिलिंग है, जो अमाउंट है, वो हम उसको रिड्यूस कर सकें। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगर हम इस ऑटो स्केलिंग की बात करें, तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, और दूसरा हम बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वन इज द वर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो गाइस, अगर हम हॉरिजॉन्टल के केस की बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ठीक है ना, आपने कोई वेब सर्विसेज यहाँ पे अपलोड की या कोई भी सर्विस आपने अपलोड की, 2 VM के साथ आपने कुछ एक्टिविटी कर रखी है, लाइक एज ए वेब एप्लीकेशन आपने होस्ट कर रखा है, वेबसाइट होस्ट कर रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों सिस्टम का, ध्यान रखना है यहाँ पे, दोनों सिस्टम का अगर CPU कंजप्शन आपका अगर 75% क्रॉस जाता है, थ्रेशोल्ड आप डिसाइड कर लोगे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 75% के ऊपर ही जाए, आप 90% भी कर सकते हो, 95% भी कर सकते हो। अगर ये 75% थ्रेशोल्ड आपका प्लस जाता है, तो इस केस में क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल के केस में एक नई वर्चुअल मशीन आपके एनवायरमेंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, अगर CPU ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि CPU ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपके पूरे सिस्टम के ऊपर लोड पड़ना। CPU का कंजप्शन तभी बढ़ेगा जब आपके RAM के ऊपर लोड पड़ेगा, आपके स्टोरेज के ऊपर लोड पड़ेगा, बोर्ड के अंदर या वर्चुअल मशीन के अंदर जो CPU रन कर, जो बसेस रन कर रहे हैं उनके ऊपर जब लोड पड़ेगा, तो आपके CPU के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटायर
जो सीपीयू का कंजप्शन है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। 75% आपका क्रॉस किया, इट मींस दैट आपके वर्चुअल मशीन पे नंबर ऑफ हिट्स आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, एक नई वर्चुअल मशीन को ऐड कर देगा। अब क्या होगा, जो 75% के ऊपर 80% सीपीयू कंजप्शन था, उसका जो लोड है तीनों वर्चुअल मशीन में बराबर तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल स्केलिंग होती है, इज इट क्लियर? नो डाउट। अच्छा, अब वर्टिकल स्केलिंग की बात करें तो वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली एक तरीके का मैनुअल टास्क होता है। इसको इसमें आपको इंडिकेशन तो मिल जाएगा, बट आपको यू नीड टू परफॉर्म मैनुअली। छोटा सा एग्जांपल, एक आपने होस्ट के लिए सर्वर लगाया, एक आपने वेब सर्वर लगाया या एप्लीकेशन सर्वर लगाया या गेम सर्वर लगाया, कुछ भी लगाया आपने, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने इसमें 32 GB की रैम, ठीक है ना, 32 GB की रैम और 4 कोर का सीपीयू आपने लगा रखा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लेते हैं 100 GB की हार्ड डिस्क लगा रखी है आपने, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उबंटू रन कर रहा है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन के ऊपर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपनी वेब की वेब को होस्ट कराने के लिए। वर्टिकल स्केलिंग के केस में क्या होगा कि अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन या कंजप्शन बढ़ता है पूरे मशीन का, तो ये आपके लिए नई वर्चुअल मशीन नहीं ऐड करेगा। एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर प्लान रहता है जिस प्लान के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन पाते हो, ठीक है। और अब इसमें क्या करेंगे आप, ये जो प्रॉपर प्लान है इस प्लान को आप चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रैम इंक्रीज हो जाएगी, सीपीयू इंक्रीज हो जाएगी और आपके हार्ड डिस्क को इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। मतलब आप नई मशीन ऐड करने की बजाय एग्जिस्टिंग मशीन के कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ये हमारा वर्टिकल स्केलिंग हो गया। तो गाइज ये तो डिफरेंस है बेसिकली ऑटो स्केलिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग में। अब साथ ही साथ ध्यान देते हैं कि ये वीएम के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं, या वीएमएसएस के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है, कभी भी आप वीएमएसएस मशीन के ऊपर या वर्चुअल मशीन के ऊपर इस सर्विस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप एज्यूर वेब एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जैसे आपने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट होस्ट कर दी, ठीक है ना, एंड वर्डप्रेस या एज्यूर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर काउंट होता है, जो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। इस केस में जब आप वर्डप्रेस की सर्विस कॉन्फ़िगर करते हो और उसमें एक प्लान परचेज करते हो, तो उसके लिए ये आपके दोनों स्केलिंग सर्विस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग सर्विस को अप्लाई किया जा सकता है। तो गाइस उम्मीद है आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकल पार्ट में, बट अब प्रैक्टिकल की बारी है। हम अपने इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का एक लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए पोर्टल पर चलते हैं। पोर्टल पर हम डायरेक्टली मार्केट प्लेस से ही चले जाते हैं और मार्केट प्लेस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक वर्डप्रेस, जो कि वर्डप्रेस हमारा बनेगा एज़ूर वेब एप्लीकेशन के सर्विस के अंदर आता है। तो सिंपल सा आप मार्केट प्लेस पहले ओपन करा लेंगे और मार्केट प्लेस में हमें जो सर्च करना है, आप चाहो तो वो वेब एप्लीकेशन कोई परचेज कर लेते हैं .NET या PHP को होस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट देखने वाले हैं वर्डप्रेस का। जो वर्डप्रेस आएगा हमारा एज़ूर ऐप सर्विसेज में, सेलेक्ट करिए आप कोई से भी मशीन, कोई भी प्लान, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल मशीन, इट्स अ कम्प्लीटली प्लान, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ट्रेनिंग ऐप 1988, ठीक है। पे एज यू गो हमारा सब्सक्रिप्शन है और ये अपने पास ग्रुप की बात करते हैं, कंटेनर की बात करते हैं, तो एग्जिस्टिंग कंटेनर जो है हमने एज्योर आर्किटेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे है डेटाबेस प्रोवाइडर, करेक्ट। तो डेटाबेस प्रोवाइडर के अंदर अपने पास प्लान या लोकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस अगर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि कितने तरीके के प्लान अपने पास अवेलेबल है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट प्लान के नाम से बनाया, ये प्राइसिंग टीयर है S1, और S1 पे क्लिक कर देते हैं। S1 पे क्लिक करने के बाद ये आपको लिस्ट बता देगा कि इतने तरीके के प्लान हमारे पास अवेलेबल है, आप इसमें कौन सा प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का रोल कैसे अप्लाई होता है। ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ये डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है, ये आइसोलेटेड है। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि एज्यूर की सर्विस जो एज्यूर ऐप सर्विसेज है ये कैसे परफॉर्म करती है, तो आप पहले ऑप्शन पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप रेडी हो मूव कराने के लिए, अगर आप तैयार हो अपनी सारी सर्विसेज एज्यूर पोर्टल से एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इन द सेंस कि आप ऑलरेडी कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज को रन करा रहे हो, नाउ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट ओवर अ एज्यूर पोर्टल, तो उस केस में हम आइसोलेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पे S1 प्लान की बात कर लेते हैं। S1 प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो SSL ये सर्टिफिकेट हो गए, ये इसके इंडिविजुअल फीचर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है ऑटो स्केल, ठीक है। ऑटो स्केल में अप टू 10 इंस्टेंसेस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो अप टू 10 इंस्टेंसेस। सो गाइस, अप टू 10 इंस्टेंसेस का मतलब है कि आपने जो प्लान परचेज किया है पर मंथ 4,825 रुपीज़ का जो प्लान परचेज किया है उसमें हम ऑटो स्केलिंग में अप टू 10 इंस्टेंसेस बैकएंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यह वर्टिकल स्केलिंग होगी या हॉरिजेंटल स्केलिंग होगी। अगर आप थ्योरी को देखो तो यहाँ पे हम किसको अप्लाई करेंगे, 10 इंस्टेंसेस मतलब 10 आप इंस्टेंस बैकएंड में वर्चुअल मशीन्स इस प्लान के अंदर आपको मिलेंगे। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वर्चुअल मशीन की या सर्वर की परफॉर्मेंस बढ़ती है, उस पर हिट नंबर ऑफ हिट बढ़ते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके बैकएंड के इंस्टेंसेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट 10 इंस्टेंसेस इसकी कंप्लीट कैपेसिटी है और ये कंसीडर होगी एज ए हॉरिजेंटल स्केलिंग, करेक्ट, एज ए हॉरिजेंटल स्केलिंग, क्योंकि इसके इस की प्रॉपर्टी में आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहे हो, ना कि आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं अभी, और एक बार हमारा जो प्लेटफॉर्म है तैयार हो जाएगा, वर्डप्रेस का सर्वर तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको वर्टिकल स्केलिंग बताएंगे कि ये वर्टिकल हो गई और ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। चलिए अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ पे, और डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस का में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम मेंशन कर लेते हैं, क्लाउड 1234, ठीक है। प्राइसिंग टियर अलग से, इसमें आपको डेटाबेस प्रोवाइड करना है, स्पेस प्रोवाइड करना है, तो हम बेसिक प्लान पे प्रोसीड कर लेते हैं यहाँ पे 4800, ठीक है। टेस्टिंग है तो 5 GB हार्ड डिस्क इनफ है, डन। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, इसमें एक डेटाबेस का यूजर आईडी एंड पासवर्ड और ना क्लिक क्रिएट, चलिए 2 से 3 मिनट लगेगा इस पर्टिकुलर वर्डप्रेस के सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में। तो वैलिडेटिंग, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे हमारा वर्डप्रेस तैयार होता है वी विल मूव and try to understand about the concept of horizontal and vertical scaling. Guys, please let me know if you have any question or doubt. You can just drop a comment. Done. अभी अगर हम बात करें तो अपने पास जो WordPress हमने कॉन्फ़िगर किया था, क्रिएट किया था, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। चलिए इसके गो टू रिसोर्स में चलते हैं और चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ट्रेनिंग ऐप 1988 के नाम से हमने वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर किया था एज़्योर ऐप सर्विस के जरिए। तो गाइस, हमारा जो मोटो है, हमारा जो एजेंडा है, वो प्रैक्टिकली समझना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग में डिफरेंस क्या है विद प्रैक्टिकल। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में, जिसमें VM जुड़ जाए वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाए, 32 GB की रैम है, आपने उसको 64 GB की रैम कर दी या उसकी CPU कोर बढ़ा दिए या कैपेसिटी बढ़ा दिया उसी सीन की, वो वर्टिकल होती है। तो इसका प्रैक्टिकली देखते हैं, ये VM की प्रॉपर्टी है, नॉट VM की प्रॉपर्टी, ये अपने पास एज़्योर एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है जिसमें वर्डप्रेस रन कर रहा है। और अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएँ तो आप देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, स्केल अप एंड स्केल आउट, राइट। 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर स्केलिंग में, स्केल अप एंड स्केल आउट। तो जो आप स्केल अप की बात करते हैं, इसको नए विज़ार्ड में ओपन करा लेते हैं हम, ठीक है। जब हम स्केल अप की बात करते हैं यहाँ पे, तो इट मींस दैट, लेट मी चेक अगेन, ठीक है। अब जब हम स्केल अप की बात करते हैं तो ये आपको कौन से पेज पे लेके आया, ये आपका करंट कॉन्फ़िगरेशन है S1। अब आप यहाँ पे मैन्युअली क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अगर आप इसमें पूरे प्लान को अगर आप बदलते हो, राइट, अगर आप इसमें अपने प्लान को चेंज करते हो, तो इट मींस दैट वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, VM आपकी वही रहेंगी, सेटिंग्स आपकी वही रहेंगी,
बट जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड में लगा है वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। 1.75 GB की मेमोरी है और इसमें ये फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये प्लान चेंज करते हो तो वो आपका हॉरिजेंटल स्केलिंग कहलाएगा। और सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे, ये अपने पास स्केल आउट की बात करें तो स्केल आउट के केस में क्या होगा, ये अपने पास मैनुअल स्केल है। अगर आप कस्टम स्केल पे क्लिक करते हो और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट करते हो, जैसे यहाँ पे इंस्टेंस लिमिट 1 आपने रख ली, इंस्टेंस काउंट पे चलते हैं, हाउ मेनी इंस्टेंस यू वांट टू क्रिएट, 1, 2, 3, 4 जितने भी आप इसमें अटैच करना चाहते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐड स्केलिंग कंडीशन पे क्लिक करो आप, जिसमें आप इसके सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन वगैरह को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्केल अप की बात करें, जो अपने कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ में हमने दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, स्केल अप और स्केल इन, तो स्केल अप के केस में आप बोल सकते हो कि अपने पास हॉरिजेंटल स्केलिंग परफॉर्म हो रही है, क्योंकि आप इसमें इंस्टेंस नहीं ऐड कर रहे हैं, आप इसमें जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उस प्लान को आप चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें स्केल आउट की, तो स्केल आउट ये जो है एग्जाम्पल है वो आपका हॉरिजेंटल स्केलिंग का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर मैनुअल की जगह कस्टम पर क्लिक कर देंगे और कस्टम पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ऐड रूल्स। सो ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद ये आप कंडीशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, करंट प्लान जो भी अपने प्लान परचेज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेक कर सकते हो। ये एग्रेशन की बात करें तो एवरेज हमने रख रखा है, मैट्रिक्स की बात करें तो सीपीयू परसेंटेज मीन्स सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन या कंजप्शन कितना हो, और ये रही सेटिंग जहाँ पे आप अपनी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 70% की जगह आप यहाँ पे 85% भी मेंशन कर सकते हो कि 85% के क्रॉस अगर सीपीयू गया, यूटिलाइजेशन होता है, कंज्यूम होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी, ना कि वो सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, क्योंकि ये आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। टोटल जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन गाइज इसमें जो मीनिंग होती है, ड्यूरेशन की लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ड्यूरेशन इन द सेंस की जो 85% सीपीयू कंजप्शन है ना, वो कंटिन्यू आपका 85% 10 मिनट तक रहा, या 85% के क्रॉस 10 मिनट तक अगर स्टे किया मशीन को, रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पिछले 10 मिनट से 85% सीपीयू कंज्यूम हो रहा है या अबव जा रहा है, तो उस केस में ये ड्यूरेशन आपका काउंट होता है। इस 10 मिनट के बाद ही नई इंस्टेंस आपके एनवायरनमेंट में अटैच होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप मिनिमम जो है 5 मिनट रख सकते हो, आप मैक्सिमम 90 मिनट तक रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंक्रीज बाय काउंट मींस इंक्रीज बाय काउंट जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो कितने इंक्रीज हों, एक या दो इंस्टेंस आप एक डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, एट ए टाइम क्रिएट हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें दो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक इंस्टेंस हम और अटैच कर देंगे। मतलब अगर दो इंस्टेंस रन करके पूरे एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, और उनका दोनों का कंजप्शन सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन कंजप्शन जो है 85% के प्लस जा रहा है, तो उस केस में एक नई वर्चुअल मशीन ऐड हो जाएगी, राइट। तो गाइज ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास स्केल इन एंड स्केल आउट के केस में, स्केल अप एंड आउट के केस में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग के नाम से जानते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप क्लियर होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करोगे, थियोरेटिकल ठीक है, बट यू नीड टू परफॉर्म द टास्क इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। तो आपको जो भी एक्टिविटी करनी है अपने क्लाइंट के, यू नीड टू जस्ट यू कैन आल्सो यूटिलाइज योर नॉलेज फॉर द कंसल्टिंग पर्पज। और जब भी आप इन्वायरमेंट में या किसी क्लाइंट के लिए परफॉर्म करते हो, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा, ना कि थियोरेटिकली। तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट आता है तो आप कमेंट ड्रॉप करना, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक यूनिक प्रैक्टिकल के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।